आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कुछ बीमारियां बहुत रेयर होती हैं, यानी उनके केस आपको बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी तमाम बीमारियों में एक बीमारी है लूपस। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी जब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम ही आपके अपने टिश्यूज और अंगों पर अटैक करने लगता है, हमला करने लगता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। 2014 में कई लोगों ने इस बीमारी के बारे में तब जाना होगा जब हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर सेलेना गोमेज को यह बीमारी हुई थी। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की थी। तब बहुत से लोग इस बीमारी के बारे में फिर चर्चा करने लगे थे। अमेरिका की एक लूपस फाउंडेशन है जिसका आंकड़ा ये बताता है कि पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोग लूपस के किसी ना किसी टाइप से ग्रसित हैं। अकेले अमेरिका में करीब 15 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम इसी बीमारी को लेकर बात करने वाले हैं। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है और मेरे साथ मौजूद हैं एम्स दिल्ली में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर उमा कुमार, और उनके साथ साथ इस बीमारी से लड़ रही यानी लूपस सर्वाइवर निशा हमारे साथ हैं। अभी 25 साल की उम्र है और वो इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन खुद को किसी तरह इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने पॉजिटिव रख रखा है। वो भी हमारे साथ बातचीत करेंगी। निशा और डॉक्टर उमा कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज तक रेडियो के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। थैंक यू अमन। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले निशा, आपसे ही जानते हैं कि आपको इस बीमारी के बारे में कब पता चला पहली बार? मुझे इस बीमारी का पहले पता चला 2013 दिसंबर में, 24 दिसंबर को। उससे पहले मुझे बार बार फीवर ही आता था, फीवर, लूज मोशन वगैरह, और ब्लड फ्लो रुक जाना, ये सब होता था। अक्टूबर में मुझे पेट की टीबी बताई थी 2013 में, जो कि मुझे थी नहीं। फिर मुझे नवंबर में दोबारा से फीवर हुआ और हम स्टीफन हॉस्पिटल गए। वहाँ पे एक डॉक्टर शबीना थी, उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया था कि इसको SLE है, लेकिन उन्होंने पूरे टेस्ट के, हर एक टेस्ट किया उन्होंने। एंड में जाके उन्होंने फिर ANA और मेरा बोन मैरो किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको SLE है। ये बात है 24 दिसंबर की 2013। अच्छा, निशाने एक टर्म का इस्तेमाल किया डॉक्टर उमा, SLE निशाने बताया, क्या है ये SLE? SLE का फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, और इस बीमारी में शरीर के सारे अंगों पर असर आता है, इसलिए ये टर्म सिस्टमिक हो गया। और जो ल्यूपस वर्ड यूज होता है, ल्यूपस का मतलब वुल्फ होता है इन लैटिन, और आपने देखा होगा कि वुल्फ के फेस पे कुछ मार्क्स होते हैं, और उन मार्क्स वो रिजेंबल करते थे ल्यूपस पेशेंट के फेस पे, मास्क पे, तो ये टर्म ल्यूपस आ गया। और इरिडेमेटोसस है कि रेडनेस होती है, तो रेड इरिडेमेटोसस हो गया, तो इसको सिस्टमिक ल्यूपस इरिडेमेटोसस कहते हैं, यानी कि SLE। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। अच्छा डॉक्टर उमा, क्या SLE के अलावा भी और टाइप्स की लूपस होती हैं? कौन कौन सी टाइप की होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ल्यूपस जो है, एक होती है डिस्कॉइड ल्यूपस, जिसमें सिर्फ बीमारी स्किन तक कन्फाइंड होती है, उसमें ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस होता है, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका बहुत दिनों तक अगर सेवन किया जाता है तो उससे भी ल्यूपस की बीमारी हो जाती है। और बाकी जो प्रीडोमिनेंट डिजीज है, जो मेन ल्यूपस है, दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। अच्छा, ये तो हमने टाइप की बात कर ली, आपसे इसके लक्षणों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। किस तरह के लक्षण आमतौर पर ल्यूपस की बीमारी में दिखते हैं मरीजों में? देखिए, जैसे निशा जी बता रहे थे कि उनको शुरू में बुखार आता था बहुत दिनों तक, और उसको टीबी भी बताया गया। तो इस बीमारी में फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, चेहरे पे रेडनेस आ जाती है इन बटरफ्लाई एरिया, यानी कि चीक पे, शरीर पे, और रैशेस हो सकते हैं, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, मुंह में छाले हो जाना, स्किन पे रैशेस हो जाना और डिफरेंट पार्ट्स पे। तो ये तो इसके प्रीडोमिनेंट लक्षण होते हैं, जहां पर ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसको SLE की बीमारी
हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व है, और जैसे किसी की किडनी इन्वॉल्व हुई तो पेशेंट को हो सकता है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाए, और अगर वो किडनी फेलियर में जा रहा है तो किडनी फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं, हार्ट पे असर आ जाए तो सांस फूलने लगती है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स पे असर आ जाए तो लंग में भी डिफरेंट काइंड का मैनिफेस्टेशन होता है। वो डिपेंड करता है कि लंग का अफेक्शन किस तरह का हुआ है, मुंह से ब्लड भी आ सकता है जिसे हिमोप्टेसिस कह देते हैं, छाती में दर्द हो सकता है जब प्लूराइटिस होती है, ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस ल्यूपस के होते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। अच्छा, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होने के क्या कारण है? देखिए, जितने भी ऑटोइम्यून इलनेसेस हैं वो फीमेल प्रीडोमिनेंट इलनेसेस हैं, और इसकी मेन वजह होती है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो इम्यून रिलेटेड जीन्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, मेन में सिंगल एक्स होता है, तो इसलिए फीमेल्स का इम्यून सिस्टम रोबस्ट होता है, और जब वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है तो ऑटोइम्यून बीमारियां होने की संभावना भी फीमेल्स में ज्यादा होगी। एक चीज दूसरे, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन होता है वो भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोइम्यून डिजीज करने का फीमेल्स में। अच्छा डॉक्टर उमा, चूंकि ये बड़ी रेयर बीमारी कही जाती है, भारत में अगर देखें तो कितने इसके मरीज होंगे हाल फिलहाल में, आंकड़ा कुछ इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, गुड क्वालिटी नेशन वाइड डेटा हमारे पास ल्यूपस का अवेलेबल नहीं है, बट जो भी स्टडीज अवेलेबल हैं रीजनल स्टडीज उनके मुताबिक जो इसकी प्रेवलेंस है दैट वेरीज समवेयर फ्रॉम 14-60 पर 100,000 पॉपुलेशन, सो वील हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू हैव गुड क्वालिटी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ऑन ल्यूपस इन इंडिया। अच्छा, अभी इसके थोड़े से इलाज के बारे में समझना चाहूंगा, क्या इलाज के दरमियान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस रोग में? देखिए, जो SLE का इलाज है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, और अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ओनली, तो जो भी दवाइयां चलती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक एजाथायोप्रिन या साइक्लोफोसामाइड स्टीरॉइड्स, तो वो सब दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इन दवाओं को बहुत जुडिशियसली यूज किया जाए, अप्रोप्रिएट डोजिंग में, अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विथ सुपरविजन, तो इन सबके साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और साइड इफेक्ट्स में जो कॉमन है वो एक ये है कि हम पेशेंट्स का हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं, यानी कि उनके जो कहते हैं बोन मैरो सप्रेशन, जहां हो सकता है ब्लड बनना कम हो जाए, या फिर इन दवाओं से लिवर की टॉक्सिसिटी हो जाए, या फिर किसी दवा से किडनी पे असर आ जाए, तो इन सब चीजों के लिए हम इंटरमिटेंटली मॉनिटर करते हैं पेशेंट से, कहते हैं एवरी 8-12 weeks वो कुछ सेट ऑफ टेस्ट कराते हैं, जिससे कि ये पहले ही डिटेक्ट हो सके कि कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो ड्रग के नहीं आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर उमा, अभी निशा मुझे बता रही थी कि बड़ा रेगुलर टेस्ट के लिए उन्हें जाना पड़ता है और लगातार अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए एक ल्यूपस पेशेंट को? देखिए, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ल्यूपस किन किन चीजों से वर्सन हो सकता है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रिगर करती हैं ल्यूपस को, तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो हमारा जेंडर है उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वेमेन में ज्यादा कॉमन होती है ये प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जो देखा गया है कि जैसे कुछ स्मोकिंग है वो कर सकता है ल्यूपस और वर्सन भी कर सकता है डिजीज को, कुछ एयर पोल्यूशन, राइट, PM2.5 पार्टिकल्स जो हैं वो भी पाए गए कि ये ट्रिगर करते हैं और कर भी सकते हैं ल्यूपस किसी में। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स हैं, सिलिका है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो जिनका ध्यान रखा जाए काफी हद तक फिर बचा भी जा सकता है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब दवाएं चल रही होती हैं तो रिलैप्स ना हो, क्योंकि जो SLE का डिजीज है वो रेमिशन एंड रिलैप्सेस से करेक्टराइज होता है, यानी कि मतलब ठीक हो जाता है उसके बाद कोई ट्रिगर आया तो फिर डिजीज दोबारा से रिलैप्स कर जाती है और एक्टिव हो जाती है, तो
इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगी कि एक तो कोई एडिक्शन ना आने दे अपने आसपास, जितना कोशिश करें कि वातावरण जो है शुद्ध और स्वच्छ हो। इसके अलावा डाइट का ख्याल रखें, अपना अपने खाने पे ध्यान दें, प्रोटीन्स खूब लें डाइट में, और विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो लिखे जाते हैं, मतलब डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए विटामिन डी की, तो ये सब चीजें ध्यान में करें बिसाइड्स टेकिंग मेडिसिंस। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और एसएलई के मरीजों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी देखी गई है, बहुत साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है, इतनी दवाइयां चल रही होती हैं, तो और यूजुअली जो ये बीमारी है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के विमेन में ज्यादा कॉमनली मिलती है, तो वो एक प्रोडक्टिव एज होती है लाइफ की, और उसी समय ये बीमारी हो जाए तो आदमी बहुत ही साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है योगा, मेडिटेशन, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करना, और फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करना अलोंग विद मेडिसिंस एंड डाइट, तो बहुत बहुत आराम मिलता है। जी डॉक्टर उमा, निशा से जानते हैं कि उनके इलाज के दौरान क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उनको क्या दिक्कतें आई। दिक्कतें मुझे हुई थी कंटिन्यूसली फीवर होना और ये लूज मोशन वगैरह। तो जब भी मैं हॉस्पिटल जाती थी डॉक्टर मुझे ज्यादातर टाइफाइड ही बताते थे, टाइफाइड की दवाइयां दे दी, खत्म। रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं था ज्यादा, एंडोस्कोपी भी कई बार हुई, कोलोनोस्कोपी भी कई बार हुई, लेकिन पेट में कभी पता ही नहीं चला कि क्या है, जो कि पेट का अभी तक भी नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली है क्या। बाकी 2013 मेरा पूरा हॉस्पिटल में गया था, जनवरी से लेके दिसंबर तक कंटिन्यूसली हर महीने 10 दिन 15 दिन, उसमें भी इन्होंने मुझे सिर्फ टाइफाइड ही बताया। पेट में दर्द होता था तो अनडाइजेस्टिव फूड का कुछ प्रॉब्लम बताते थे। फिर मैंने आपको बताया अक्टूबर में मुझे टीवी बताई थी, उसके बाद ये चीजें फिर उन्होंने बताया कि ऐसे लिए। बाकी दिक्कत यही थी कि कंटिन्यूसली फीवर, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे धूप में जाने से रेड रैशेज हो रहे हैं 2013 से पहले, जब मुझे बीमारी पता चल गई उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि इसलिए मुझे ये इतने ज्यादा रेड रैशेज होते थे फेस पे, या फिर जहां से भी मैं अनकवर्ड होती थी वहां पे इतना ज्यादा फटीग मुझे इसलिए होता था क्योंकि ये प्रॉब्लम थी मुझे काफी टाइम जी। मैं तो, स्कूल में थी, जाती थी ना तो मैं पीछे की दो बेंच मिला के और अपना बैग रख के सो जाती थी, इतना ज्यादा मुझे फटीग होता था। ओके, तो निशा आज जो डॉक्टर उमा ने सुझाव दिए हैं वो सब आप कर रही हैं, प्रॉपर मेडिटेशन कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, दवाएं ढंग से ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? हाँ जी, मैं दवाइयां भी बिल्कुल ढंग से ले रही हूँ और मेडिटेशन योगा भी मैं करती हूँ, लेकिन बीच में जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो बीच में फिर से रह जाता है। बाकी मैं कर रही हूँ, डाइट भी मैंने अभी 6 महीने हो गए मुझे, मैं प्रॉपर नेचुरोपैथी डाइट पे हूँ तो मुझे काफी रिलीफ है, लेकिन पेट तो अभी है ऐसा ही है जी। अच्छा डॉक्टर उमा आप बताइए, क्या ये बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज कर पाना संभव नहीं है, पूरी तरह से जड़ से इसे खत्म नहीं किया जा सकता क्या? देखिए आपके क्वेश्चन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपने बोला कि जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता क्या, तो हाँ ये सच है कि जड़ से ये बीमारी खत्म नहीं होती है। ये जैसे डायबिटीज है, अगर किसी को एक बार हो गई तो जिंदगी भर उसको डायबिटीज की दवाएं लेनी पड़ती हैं और बाकी के प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, सिमिलरली ल्यूपस है। दूसरी चीज कि दवाओं से ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है ज्यादातर मरीजों में, हाँ कुछ चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो रह जाती है जिसमें कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, तो लेकिन मानना यह जरूरी है कि दवाएं लेते हुए ये बीमारी पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है। इसीलिए दवा जल्दी शुरू करना और अप्रोप्रिएट टाइम के लिए देना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर उमा, इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि इस बीमारी के लक्षणों को पहचानें जो हमने बताया, और अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज होती है तो हिम्मत ना खोएं, इलाज से पूरी तरह ये बीमारी ठीक हो सकती है, और आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, फिजिकली एक्टिव रखें, और दवाइयां जो आपके डॉक्टर ने बताई हैं उनको कंटिन्यू रखें, होपफुल रहें। अब होपफुल की और पॉजिटिविटी की बात की आपने, और निशा ऐसे समय में जब आपको हर रोज ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने होते हैं, आप तमाम तरह के जो इसके लक्षण हैं उनसे हर रोज जूझती हैं, दो चार होती हैं, ऐसे समय में खुद को कैसे संभालती हैं, खुद को कैसे पॉजिटिव रखती हैं, खुद को कैसे मोटिवेट रखती हैं? मैं सच बताऊं तो
अभी तक तो मुझे ऐसा मतलब जैसे कंटिन्यूसली मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे अब कभी कभार लगता है कि ये क्या है, हर दूसरे महीने हॉस्पिटल, हर 10 दिन में हॉस्पिटल, कभी कभी लगता है, अदरवाइज नहीं। दिमाग में सिर्फ अब ये रहता है कि जो चीज है अगर हम उसी में पॉजिटिव ही सोचें तो अच्छा है, अदरवाइज अगर हम इसमें और ज्यादा घुसेंगे तो हमें ही शायद प्रॉब्लम होगी, ज्यादा डिजीज शायद और भी ज्यादा खराब होगा। तो निशा, हम आपके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, आप इसी तरह पॉजिटिव बनी रहिए, मजबूत बनी रहिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बीमारी को हरा देंगी और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी आप जी पाएंगी। थैंक यू। और डॉक्टर उमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और आपने ल्यूपस से जुड़ी तमाम जानकारी हमको दी। जाहिर तौर पर ये जानकारी जब हमारे लिसनर्स के पास पहुंचेगी और अगर उनमें से कोई इस तरह के लक्षणों से जूझ रहे होंगे तो वो इस बीमारी को गंभीरता से लेंगे और उनका इलाज हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा। थैंक यू सो मच। तो आज हेलो डॉक्टर में इतना ही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। हमारे आज तक रेडियो के सभी प्रोग्राम्स आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podchaser, Castbox, JioSaavn, इन जगहों पर भी मिल जाएंगे। हमारे प्रोग्राम्स आप वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपसे कोई भी प्रोग्राम का अपडेट छूटेगा नहीं। मेरा नाम अमन गुप्ता है, आज तक रेडियो पर यहीं मिलते रहेंगे आपसे। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर, खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।